रोमांचक से भरा मैच, रोंगटे खड़े देने वाला मैच, इमोशनल से भरा मैच को इंडिया ने जीत लिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया यह फाइनल बिल्कुल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था, दिल को थाम देने वाला यह मैच इंडिया ने जीता। हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका की इस फाइनल को पूरी गहराई से, तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला लिया, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अच्छी खासी शुरुआत देते नजर आई। खासकर कोहली ने जो एक ओवर में 3 चौके लगाए, वहां से गाइस ऐसा लग रहा था कि हम 200 के पार जाने वाले हैं। साथ में रोहित शर्मा भी अच्छे खासे स्टार्ट दे ही रहे थे कि उनका विकेट गिर गया गाइस, और फिर वहां पे आए ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, इनका भी विकेट जल्द ही गिर गया। तो फिर कोहली पर दबाव बढ़ा और कोहली का जो खेलने का तरीका था, जो लीडरशिप था, वो वहाँ से स्टार्ट हो गया और उन्होंने धीरे धीरे अक्षर पटेल के साथ पारी को बिल्ड किया और अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ ताबड़तोड़ बैटिंग की। गाइस जहाँ विराट कोहली अपने पारी को बुन रहे थे, वहीं अक्षर पटेल के बल्ले से रनों की बारिश हो रही थी। क्या अक्षर पटेल ने क्या जबरदस्त पारी खेला गाइस, फिर वहां से अक्षर पटेल की विकेट गिरी तो विराट कोहली फिर से दबाव में आ गए और फिर आया शिवम दुबे। शिवम दुबे ने क्या गजब की फिनिश की गाइस, उन्होंने मात्र 16 गेंदों में 27 रनों की पारी गजब का फिनिश की, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। फिर विराट कोहली ने रनों की बारिश दिखाया कि क्यों वो बेस्ट है, क्यों वो किंग कहे जाते हैं पूरे दुनिया में। रोहित शर्मा ने जो बयान दिया कि हम विराट कोहली को फाइनल के लिए बचाए रखे हैं, ठीक उसी तरह से विराट कोहली ने बीच के ओवरों में अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अंत में अच्छी खासी फिनिश देकर वो आउट हो गए। टीम इंडिया ने पूरी 176 रनों का एक स्कोर खड़ा किया और टारगेट था 177। फिर बैटिंग करने आई साउथ अफ्रीका, हैंड्रिक्स का विकेट जसप्रीत बुमराह ने निकाला, ऐसा लग रहा था कि हम मैच को पूरी तरह से पकड़ कर रखे हैं। फिर मार्करम आए, मार्करम को भी अर्शदीप सिंह ने अपने घातक गेंदबाजी से उन्हें भी चलता करा। तो गाइस यहां से हम पूरी तरह से मैच में बन चुके थे दोस्तों। फिर स्टब्स आए बैटिंग करने, स्टब्स ने क्विंटन डीकॉक के साथ अच्छी खासी साझेदारी निभाई। फिर हमारा जो मैच था वो फाइनल हाथों से चले जा रहा था गाइस, जिसका डर था वही हो रहा था गाइस। फिर हमारे जो पापू है अक्षर पटेल, उन्होंने एक स्लोर अन यर्कर डाली गाइस और उसने विकेट को उड़ा दिया, गिल्लिया उखाड़ दिया गाइस, और वहां से हम फिर हम मैच में बन गए। और फिर आया तूफान क्लासेन, डीकॉक के साथ साझेदारी निभाया डीकॉक, हालांकि डीकॉक को अर्शदीप सिंह ने चलदा बनाया। फिर क्लासेन का जो तूफान आना बाकी था गाइस, जिसकी सभी को डर था कि क्लासेन एक तूफान लेकर आएंगे, ठीक उसी तरह से क्लासेन एक तूफानी पारी खेली गाइस और पूरी तरह से साउथ अफ्रीका को यह मैच झोली में डाल दिया। और फिर क्लासेन और डेविड मिलर की वो पार्टनरशिप गाइस टीम इंडिया को हराने वाली वो पारी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का वो मैजिक बॉल जिसने टीम इंडिया को फिर से मैच में वापस कर दिया गाइस। एक हारने वाली मैच जहां से पिन प्रिडिक्शन थी मात्र 3%, वहां से गाइस हमने इस मैच को जीता। ताकि थ्रिलर मैच था गाइस, बिल्कुल ही कमजोर दिल वाले इस मैच को अगर देखते दोस्तों तो उनके साथ बहुत कुछ हो सकता था गाइस, लेकिन इस मैच को हमने जीता, पूरी टीम इंडिया ने इस मैच को जीता। वो हार्दिक पांड्या का स्पेल जो ऑफ स्टंप की बाहर थी, पूरी धीमी बॉल डाली और क्लासेन का टॉप एज लगा और हमारे ऋषभ पंत कहाँ कैच छोड़ने वाले थे, उन्होंने आसानी से इस कैच को पकड़ा और क्लासेन को चलता बनाया। फिर हमने इस मैच में एंट्री ली गाइस और एंट्री ऐसा ली कि मानो हम वो मैच जीत गए और हमें पूरा विश्वास था कि जसप्रीत बुमराह आएंगे और अपने घातक गेंदबाजी से इस मैच को जिताएंगे। जसप्रीत बुमराह आए और डेविड मिलर को बुमराह की जो गेंदबाजी थी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी गाइस, जसप्रीत बुमराह की वो स्पिन बहुत ही खतरनाक थी। मार्को चैनसन जो कि एक अच्छे फॉर्म में थे गाइस, उसे चलता बनाया जसप्रीत बुमराह ने गाइस, डेविड मिलर का जो विकेट था वो बचा था गाइस। फिर आए हार्दिक पांड्या की वो स्पेल, सूर्य कुमार यादव का वो जबरदस्त कैच गाइस, ऐसा अद्भुत कैच बहुत ही कम देखने को मिलता है गाइस, सूर्य कुमार यादव ने क्या जबरदस्त कैच पकड़ा। ये कहें कि वो जो कैच था वो सूर्य कुमार यादव ही पकड़ सकते थे। जिस तरह से हम इस मैच में वापसी करें गाइस, पिन प्रोटेक्शन मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि मात्र पिन प्रोटेक्शन जो थी वो 3% थी गाइस, पिन प्रोटेक्शन 3% थी। वहाँ से हार्दिक पांड्या ने इस मैच को हार के मुंह से इस जीत को निकाल लिया गाइस, इंडिया के लिए हार के मुंह से इस जीत को निकाला हार्दिक पांड्या ने। जसप्रीत
बुमराह ने, अक्षर पटेल ने और विराट कोहली ने गाइस। और वो शिवम दुबे की फिनिश मत भूल लो गाइस, उसने विराट कोहली के साथ क्या जबरदस्त पार्टनरशिप की गाइस। ओवरऑल हम इस मैच को पूरी रोमांचक तरीके से इस मैच को जीत लिए गाइस और अपना दबदबा T20 वर्ल्ड कप में फिर से स्थापित कर दिया दोस्तों। फिर से हम लठ गार दिए, हमने खूटा ठोक दिया गाइस कि हम T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं, पूरा वर्ल्ड चैंपियन है गाइस। ये जो मैच था दो लेजेंड विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों, उनके लिए ये मैच जीतना ज़रूरी था गाइस। विराट कोहली ने भी ये बयान दे दिया कि वो T20 मैच है उनका, ये लास्ट मैच है, आई थिंक वो T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले रहे हैं गाइस। रोहित शर्मा ने भी T20 से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है और दो बड़े लेजेंड रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 से संन्यास ले चुके हैं। बात करेंगे हमारे हार्दिक पांड्या की गाइस, जिस तरह से हार्दिक पांड्या को IPL ने छपरी बना दिया था गाइस, उन्हें छपरी कहना बिल्कुल गलत है, वो हार्दिक पांड्या है, कुंफू पांड्या है गाइस। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो बता दिया कि वो छपरी नहीं, वो एक टीम इंडिया के हीरो है गाइस। थ्रिल से भरा मैच और रोमांचक से भरा मैच और दिल को थाम लेने वाला मैच, वो मैच टीम इंडिया ने जीता।